सिवनी के बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने सीएम कमलनाथ की तारीफ में कसीदे गड़े, साथ ही सीएम कमलनाथ को उन्होंने अपना अभिभावक तक बता दिया। बताया जाता है कि सिवनी के विधायक दिनेश राय सीएम कमलनाथ के काफी करीबी हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक आपने सीएम कमलनाथ की तारीफ करते हुए कांग्रेसी विधायकों को सुना होगा, लेकिन इस बार माजरा थोड़ा अलग है। यहाँ मंच से सीएम कमलनाथ की तारीफ कोई कांग्रेस का विधायक नहीं, बल्कि बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन कर रहे हैं। उन्होंने मंच से छिंदवाड़ा मॉडल की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, राय ने सीएम कमलनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़े और उन्हें अपना अभिभावक तक बता दिया। आप ही सुनिए छिंदवाड़ा मॉडल की कहानी भाजपा विधायक की जुबानी। और कमलनाथ जी का आशीर्वाद हम सब ऊपर बना रहेगा। मैं चाहूंगा जिस तरीके से आपने छिंदवाड़ा मॉडल के रूप में प्रदेश में दिया है, उसी तरीके से पूरा मध्य प्रदेश आपका छिंदवाड़ा बने, इसके लिए मैं आपको बधाई और शुभकामना देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं भली सिवनी विधानसभा से हूं, आप हमारे गार्जियन के रूप में हैं, हमेशा हम आप सबका आशीर्वाद लेते रहते हैं और हम अपने हक के लिए हमेशा आपसे लड़ते झगड़ते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि गार्जियन का काम आप करेंगे और हम आपके बीच में हमेशा आपसे सहयोग की उम्मीद रखेंगे और समाज को बहुत बहुत बधाई। दरअसल बुधवार को छिंदवाड़ा में कलचुरी समाज का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस दौरान सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ भी उसमें शामिल होने पहुंचे थे। वहीं सिवनी के बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन की मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही। कुल मिलाकर विधायक के बयान से साफ हो गया है कि छिंदवाड़ा में एक बार फिर कांग्रेस का कब्जा होगा और इस बार कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद बनेंगे। वहीं विधायक के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, छिंदवाड़ा।